फ्रेंड्स वेरी गुड इवनिंग, हाउ यू ऑल, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू ओन चैनल द हम्बल गाय, लेट्स बिगिन। तो वो घड़ी आखिरकार आ ही गई है और कल है 20 अक्टूबर 2019, जिस दिन आपको देना है ये SIC UDC का थर्ड फेज, डेट इज़ कंप्यूटर स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट कह लें उसको। तो बहुत सारी बातें पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, लास्ट मिनट एडवाइस इस वीडियो में फटाफट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात, आपका सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो, सिटी में हो या दूसरे शहर में हो, इन बोथ द केसेस इट इज़ रिक्वेस्टेड डेट आप टाइमली वहाँ पर पहुँच जाइए। बहुत बार ये देखा गया है कि एस्पिरेंट्स लेट हो जाते हैं और बाद में रिक्वेस्ट करते हैं, आजकल मामला बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप टाइम को ज़रूर एडहर कीजिए और गेट क्लोजिंग टाइम से पहले ही पहुँच जाइए। दूसरी चीज़, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाएँ या नहीं ले जाएँ, देखिए ये आपकी मर्ज़ी है पूरी पूरी, लेकिन अगर साथ में ले जाते हैं, कोई जेरोक्स आपने कराया, फोटोकॉपी कराई, वो विजिबल नहीं है वहाँ पर, फिर करना पड़े, तो वो आपके पास एक ऑप्शन रहता है अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आप ले जाएं तो, बाकी आपकी मर्जी। आप जैसे ही अंदर जाएंगे वहाँ पर आप सभी लोगों को रोल नंबर वाइज एक रो में खड़ा कर दिया जाएगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ठीक है। उसमें धीरे धीरे तीन चार, मान लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कितनी कितनी स्ट्रेंथ है वहाँ पर एस्पिरेंट्स की, तो उसमें तीन चार रूम होंगे और आपको बता दिया जाएगा यू गो टू रूम नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है। वहाँ पर जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट सबमिशन स्लिप है उसमें वो आपको ही एंटर करना पड़ेगा कि आप ये दे रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देके, ठीक है, जैसे 10th का मार्कशीट दे रहे हैं या सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वो वहाँ आपसे ले लेंगे। और आपका एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज ऑफ द एडमिट कार्ड, ऑन द रिवर्स ऑफ दैट दे विल पुट अ स्टैम्प दैट डॉक्यूमेंट सबमिटेड। ये हो गया। उसके बाद आप चले जाएंगे जहाँ पर एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर जो है आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, एक कंप्यूटर वाले जो नॉर्मली रहते हैं वो रहेंगे, आपका बायोमेट्रिक चेक करेंगे, बायोमेट्रिक मैच हो गया तो सीधे आप चले जाएंगे, आपका जो सिस्टम नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड पर लिख दिया जाएगा, जैसे लिखते हैं ना कि C37, C38 जो भी है, आप चले गए अपने सिस्टम पर। अगर आपका इनकेस बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पता भी है, एक बार फिर दोहरा देते हैं कि बायोमेट्रिक जो होगा उसके लिए फिंगर्स ड्राई होने चाहिए, फिंगर्स क्लीन होने चाहिए, तो अगर आप लोगों ने मेहंदी वहंदी किसी ने लगा रखी है, स्पेशली फीमेल एस्पिरेंट्स, तो वो अपना आप रिमूव कर लें, कोई इंक विंक ये सब नहीं लगी होनी चाहिए। आपका बायोमेट्रिक मैच हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपको जनरली, पिछली बार किया था शायद इस बार भी करें, श्योर तो नहीं है बट कर सकते हैं, एक कैमरामैन रखते हैं वो, और वहाँ पर आपको कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा कि आई एम सो एंड सो, आई नो माई बायोमेट्रिक इज नॉट मिसमैच, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज दैट आई मे प्लीज बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। हो गया, बायोमेट्रिक मिसमैच वाले भी बैठ गए, चिंता की कोई बात नहीं, बायोमेट्रिक मैच वाले भी बैठ गए। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वहाँ पर आप एक बार उस सिस्टम को चेक कर लीजिए, मतलब माउस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चेक कर लीजिए। एक बार वर्ड खोल के देख लीजिए, पावर पॉइंट खोल के देख लीजिए, एक्सेल खोल के देख लीजिए, MS ऑफिस वहाँ पर इंस्टॉल्ड है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, ACPT में काउंटेड नहीं है वो। जब सब हो गया उसके बाद आपने चेक वेक कर लिया, आपको शायद बोला जाएगा कि एक फोल्डर बना लीजिए, तो आप फोल्डर बना लेंगे और उसी फोल्डर में, डेस्कटॉप पे ही रखेंगे उस फोल्डर को, CD में मत सेव कीजिएगा, आपको उस फोल्डर बना लीजिएगा और उसके बाद वो तीन फाइल आप बनाएंगे, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल की, वो आपको उसी में सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करना है वो आपको एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस आई हो कल भी वहाँ बता दिया जाएगा, रोल नंबर _ABC जो भी है। इसमें आपके एक सवाल और आ रहे हैं, पहला क्या करें, देखिए इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं कि एमएस वर्ड में टाइपिंग टेस्ट है, नहीं, ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। यहाँ पर टाइपिंग की आपकी कोई वो, जैसे अगर आप किसी कोर्ट एग्जाम में जाएं या SSC के एग्जाम में जाएं तो वहाँ टाइपिंग में आपको बैकस्पेस और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो आप अपने घर में अभी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं सेम टू सेम वहाँ पर रहेगा, वही सारी फैसिलिटी वहाँ पर रहेगी, मोस्टली वो विंडोज 7 होगा, 10 भी है तो कोई बात नहीं, और जो MS Office है वो शायद 2016 वर्जन होगा। तो वहाँ आप चाहें तो, जैसे अगर आप पर्सनली हमारे जो टीम मेंबर लास्ट ईयर जिन्होंने अपेयर किया था उनका सीक्वेंस पूछें, तो उनका सीक्वेंस था पावर पॉइंट, उसके बाद उनका टाइपिंग बहुत अच्छा था, उसके बाद उन्होंने वर्ड किया था, उसके बाद एक्सेल किया था, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसा क्वेश्चन पेपर आपको फिर से बता देते हैं, आपको फिजिकल मिलेगा, जैसा इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन पेपर डिट्टो आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है,
ठीक है, तो आपने ये काम किया, आपके दो पूरे हुए, तीन पूरे हुए, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, टेंशन मत आइए, बगल वाला ठकाटक ठकाटक वो कीबोर्ड चला रहा है और आप यहाँ टेंस हुए जा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो 17 मार्क्स ही चाहिए, क्वालिफाइंग ही है, आपको 30 35 40 मिले क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क पड़ता है जो मीन्स के मार्क्स होंगे उस पर ही फाइनल मेरिट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो दे हैव कॉल्ड 1:5, तो बगल वाले को बिल्कुल नहीं देखना है, अपना कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ अपने कंप्यूटर पे और अपना तीनों आपको पूरा करना है, नहीं पूरा हो पाया कोई चिंता की बात नहीं है, आप सभी पास होंगे, ठीक है, और उसके बाद जब आपका पूरा हो जाएगा 30 मिनट्स हो जाएंगे, आपको स्टॉप कहने वो कहेंगे, और देखिए ऑनेस्ट एक्सपीरियंस की तरह आप स्टॉप हो जाइएगा, नहीं तो एक आध पिछली बार ऐसा केसेस हुए थे, हमारे फ्रेंड बता रहे थे कि लो, फिर जाहिर सी बात है अगर आप ही कहीं इन्विजिलेटर हैं और आपने किसी को बोला पेन डाउन और फिर भी वो लिख रहे हैं तो आप नाराज़ ज़रूर होंगे, यहाँ पर पेन डाउन तो नहीं, यहाँ पर स्टॉप टाइपिंग या जो भी अपना स्लाइडा बना रहे हैं वो, ये जब ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, वो आपको एक पेज देंगे, उस पेज पर आपको जो वर्ड का कंटेंट है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसको लिखना है, ये अलग से है, ये इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 30 मिनट्स ऑफ द सीपीटी, सो यू हैव टू राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग, ठीक है, वो चेक करते हैं फ्यूचर में, कभी मान लीजिए वेरिफिकेशन के लिए, जैसे एक दो एग्जाम हुए थे उसमें हमारे जो ऐसे थे, हमने जब एग्जाम दिए थे तो ऐसे जब हम इंटरव्यू के लिए गए तो वो ऐसे हमें दिखाए गए कि आप ही की राइटिंग है, फिर से आप इसको लिखिए, तो ठीक है ये डबल चेक करने के लिए एक उनका तरीका है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आप एक पैरा बोलेंगे, एक पैरा लिख दीजिए, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, वो आप लिख दीजिएगा, उसके बाद जो आईटी वाले वहाँ पे होंगे वो आपका प्रिंटआउट निकाल लेंगे, जो भी आपने टाइप किया है मटेरियल वो प्रिंटआउट निकाल के आपसे उसमें साइन ले लेंगे, और साथ में लेफ्ट में और राइट में उनका इन्विजिलेटर का भी साइन ले लेंगे, ठीक है, इतनी पूरी कहानी है, और इसके बाद धीरे धीरे वो आप सभी लोगों को, जब सभी का हो गया, प्रिंटआउट हो गया और सिग्नेचर हो गया, तो आप सभी लोगों को छोड़ देंगे, ठीक है, बहुत मतलब आप ये मतलब प्री और मेंस एग्जाम में किसी का भी हो बहुत टेंशन रहती है, लेकिन इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ड्रेस आप जो मन पहन के जा सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है फॉर्मल पहन सकते हैं, कैजुअल पहन सकते हैं, लड़कियां चाहे तो चूड़ीदार पहन लें, सलवार सूट पहन लें, ठीक है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है उसके लिए कोई, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ सीपीटी है, ये चीज़ें हो गई, और उसके बाद आपका जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर दूसरा बैच शुरू होगा, आपको पता ही है, तो ये सारी चीज़ें हैं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, एक पेन ज़रूर अपने साथ ले लीजिएगा, ब्लू पेन, ठीक है, नहीं तो वहाँ पर थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो जाती है, और बस इतनी सी बात है, और ऑल दी बेस्ट, और देखिए एक बार फिर हम एक बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, जब आपके मार्क्स आएंगे ना, शायद नवंबर 18 से 22 के बीच इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो मार्क्स आएंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अरे आपने सही बोला था, हम सबके मार्क्स 40, 42, 44 इस तरह के हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी बार बार हम दोहराते हैं कि टेक सेवी लोग हैं, न्यू जनरेशन के लोग हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है, आपको 18 20 25 जितने भी आए, मेंस में आपके अच्छे नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी हमने आपको आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है आज तक, इस जो रिक्रूटमेंट थी इसको हमने काफ़ी क्लोजली कवर करा, होपफुली आप सभी को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी, ठीक है, अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन वीडियोस ने आपको हेल्प करी नहीं करी, करी तो कैसे करी, या कोई इम्प्रूवमेंट अगर हमारी तरफ से हो सकता है तो बिल्कुल आपके सुझाव आमंत्रित हैं, तो एक बार फिर पूरी टीम की तरफ से आप सभी को पूरा हमें उम्मीद है कि आप सभी इस पे खरा उतरेंगे, हाँ जब कल एग्ज़ाम हो जाए फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जिनका भी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज आप करिए मत करिए कमेंट कोई बात नहीं, आज अपनी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कल ज़रूर इस वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम, आप ज़रूर लिखेंगे कि आप जैसा बता रहे थे वैसा ही हुआ और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तो 18 से 22 नवंबर के बीच इसका रिजल्ट आने की संभावना है, और दिसंबर नहीं तो जनवरी श्योर में आप लोगों का इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो फिलहाल के लिए इतना ही, वक्त आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो उससे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कल के कंप्यूटर टेस्ट के लिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत आसान सा पेपर होगा, ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल, नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।